याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कांस्टेंट को हमेशा हम ड्रॉप कर देते हैं, कांस्टेंट को हम गिनते ही नहीं है कभी भी बिगो नोटेशन में। हेलो वर्ल्ड, दिस इज समीर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड एनालिसिस ऑफ बिगो नोटेशन यूजिंग पाइथन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिगो नोटेशन को स्केल कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बिग ओ नोटेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ बहुत सिंपल से एग्जांपल देखे थे कि बिग ओ नोटेशन कैसे किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे इंक्रीज होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं प्रिंट लिस्ट, ठीक है। और हमने उसके अंदर एक लिस्ट को एंटर कराया, लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया और हमने उसमें एक लूप चलाया लिस्ट तक और हमने उसकी हर वैल्यू को प्रिंट कर दी, ठीक है, सिंपल। और हमने फिर अगर प्रिंट लिस्ट को हमने कॉल कराया और उसके अंदर हमने एक लिस्ट पास कर दी, ठीक है। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि उस लिस्ट के एलिमेंट्स को उसने प्रिंट करा दिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये कौन सा बिगो नोटेशन है, मतलब अगर हम इसको बिगो नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा बिगो नोटेशन है, कांस्टेंट है, लीनियर है, लॉगरिथमिक है, क्वाड्रेटिक, कौन सा। तो आई होप आपको इसका आंसर मिला होगा। इसको हम बोलेंगे बिग ओ ऑफ एन, ये लीनियर है, बिग ओ ऑफ एन है। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या समझ में आया इस चीज़ से, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम हमने रख दिया मानिए कॉम्प वन, ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई भी नाम रख सकते हैं। और हमने उसके अंदर एक लिस्ट पास किया और लिस्ट पास करके हमने एक लूप चलाया लिस्ट तक और हमने इसको प्रिंट किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक और लूप चलाया और फिर हमने उस एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट किए, ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर हमने एक लूप चलाया, ठीक है, और हमने फिर से एक उसमें वैल्यू प्रिंट कर दी। अब आप ये बताइए मुझे कि इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, आपके हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए अगर हम इस फंक्शन को कॉल कराएं। चाहे तो आप कॉल करा के देख सकते हैं, अगर हमने कॉल कराया इसमें और एक लिस्ट पास कर दी तो क्या आंसर आ रहा है, लेट्स सी। अब इसके अंदर आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसका बिगो नोटेशन क्या होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगर आपने इसका आंसर लिया है बिग ओ ऑफ एन टू द पावर 3 क्योंकि इसमें तीन लूप लगे हैं, देन यू आर रॉन्ग। इसका बिगो नोटेशन एन टू द पावर 3 नहीं होगा, ये एक लीनियर फॉर्म है, अगेन ये फिर से एक लीनियर फॉर्म है। कैसे, इस वाले लूप का, इस वाले जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है इसकी परफॉर्मेंस होगी बिग ओ ऑफ एन, राइट, इसका एक ही लूप चल रहा है। अब इसके अंदर हमने फिर से देखा तो इसकी भी बिग ओ ऑफ एन होगी और इसकी भी बिग ओ ऑफ एन होगी, राइट, तीनों की बिग ओ ऑफ एन है। सो टोटल अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको ऐड कर दें, बिग ओ ऑफ एन प्लस बिग ओ ऑफ एन प्लस बिग ओ ऑफ एन, तो यहाँ पे आ जाएगा बिग ओ ऑफ 3n। एंड रिमेंबर, जब बिग ओ ऑफ एन को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जब भी हम उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो उस कांस्टेंट का कभी भी कोई भी महत्व नहीं होता है। अब अगर आपको मेरी सेकेंड क्लास याद होगी तो उसमें मैंने बोला था कि जो बिग ओ नोटेशन होता है वो खाली मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स को पे केयर करता है, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स को ही देखता है। सो अगर आपको थोड़ा सा और याद होगा सेकेंड क्लास के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे इनपुट ग्रो करता है वैसे वैसे जो हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म होते हैं वही मैटर करते हैं, ओके। तो इसको इस तरह समझिए, मानिए आपको याद होगा कि आपने मैथमेटिक्स की क्लास करी होगी 12th या कॉलेज टाइम पे, उसमें हमने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ा था, लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा लिमिट की तरफ टेंड होता है वैसे वैसे हमारे कांस्टेंट उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब जैसे जैसे हमारा एन जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कांस्टेंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, यही कारण होता है कि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं बिग ओ नोटेशन में। और इसी कारण से इस फंक्शन का जो बिग ओ नोटेशन है वो बिग ओ ऑफ एन है। अब इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम रखते हैं
def of comp. इसमें थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आएगा बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है. ठीक है, हमने इसको लिस्ट लिया. ठीक है, और हमने इसमें सबसे पहले क्या किया कि हमने लिस्ट का पहला टर्म प्रिंट करा लिया. ठीक है, पहला टर्म प्रिंट करा लिया और हमने काम किया कि मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया हमने उसका. ठीक है, और हमने क्या किया, एक लूप चलाया मिड पॉइंट तक. और हमने प्रिंट कर दिया आई को. ठीक है, अब हमने एक और लूप लिया फॉर जे इन रेंज 10. मान लो 10 कुछ भी हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी रेंज ले सकते हैं. और हमने प्रिंट करा लिया मानिए हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हमने ये प्रिंट करा लिया. अब हमने इसको रन कराया. ओके, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना भूल गया, सॉरी. ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक लिस्ट की लिस्ट ले ली हमने. ठीक है, मानो 10 तक ले लेते हैं. और हमने इस फंक्शन को कॉल करा लिया, कॉम्प फंक्शन को हमने कॉल करा लिया और उसके अंदर हमने लिस्ट पास कर दी. ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग क्या आता है. इसका आउटपुट कुछ ये आ रहा है, 1 1 2 3 4 5 ऐसा करके कुछ आ रहा है. ये जो 1 है वो इसका है. ठीक है, जो ने प्रिंट कराया था. और मिड पॉइंट तक का जा रहा है जो, तो 1 से लेके 5 तक का उसने प्रिंट कराया. और हेलो वर्ड उसने 10 टाइम प्रिंट कराया. अब इसका बिग नोटेशन क्या होगा, इसका कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका बिग नोटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी. तो इसको देखने के लिए हम लोग काम करते हैं कि हर लाइन का इसका एक बिग नोटेशन हम कैलकुलेट करते हैं. अब अगर हम इस एग्जीक्यूटेबल प्रिंट स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो इसका बिग नोटेशन क्या है. इसका बिग नोटेशन है लीनियर. ठीक है, बिग ऑफ 1 लिख देते हैं, बिग ऑफ 1 है. ठीक है, और इस प्रिंट स्टेटमेंट का जो ये जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है उसका क्या है. इसका बिग नोटेशन है n डिवाइड बाय 2. ठीक है, और इसका क्या है, बिग ओ ऑफ 10. सिंपल, बिग ऑफ 10, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज 10 लिया है. अब अगर हमें इसका बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट करना है तो अगर हमें इसका बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट करना है तो हमने इनको ऐड करना है जैसा हमने पहले किया था, बिग ओ ऑफ 1 प्लस बिग ओ ऑफ n बाय 2. ठीक है, प्लस बिग ओ ऑफ 10. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ, सारे एक ही में आ जाएंगे, 1 प्लस n बाय 2 प्लस 10. ठीक है, ये इसका फाइनल बिग ओ नोटेशन होगा, बिग ओ ऑफ 1 प्लस n बाय 2 प्लस 10. ये उसका फाइनल बिग ओ नोटेशन है. अब इसको हम देखेंगे लिमिट्स के टर्म्स में. जैसे हमने मैथमेटिक्स में देखते थे ना लिमिट्स, वैसी लिमिट्स के टर्म पर देखेंगे कि अगर n की वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, अगर n की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड टेंड हो रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो क्या 1 बाय 2, 10 और 1 ये जो है ये क्या मैटर करेंगे. ये सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट हैं ये सब के सब इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. मतलब 1 जो है 1, 10 एंड 1 बाय 2 ये हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, ये सारे के सारे मैटर ही नहीं करेंगे जैसे जैसे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, जैसे जैसे n जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये सारे के सारे जो कांस्टेंट है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो इसका बिग नोटेशन एट लास्ट क्या हो जाएगा, इसका बिग नोटेशन एट लास्ट बिग ओ ऑफ n ही हो जाएगा. क्योंकि n जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड होगा, इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड होगा वैसे वैसे 1 और ये हाफ और ये 10 ये तीनों को तीनों चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी. और इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी दैट मीन्स इसको हम इग्नोर कर सकते हैं एज हमने यहाँ पे इग्नोर किया था.
ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्यों इग्नोर किया था, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू मल्टी बढ़ती चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वैसे वैसे इस 3 का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी, इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी, जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वैसे वैसे इन कॉन्स्टेंट का कोई मैटर नहीं रहेगा। सो इसका भी जो बिग ओ रोटेशन है वो भी बिग ओ ऑफ n ही सिंपली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बिग ओ रोटेशन के स्केल को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कांस्टेंट को हमेशा हम ड्रॉप करते हैं, कांस्टेंट को हम गिनते ही नहीं हैं कभी भी बिग ओ नोटेशन में। सो अगर अब बिग ओ नोटेशन में आपका मानिए 1000 इंटू एन आ रहा है, तो वो बिग ऑफ एन ही है। अगर प्रैक्टिकली अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1000 इंटू एन आ रहा है मानिए किसी प्रोग्राम का, तो वो एन ही है। सो रिमेंबर, कभी भी हम लोग कांस्टेंट को नहीं गिनते हैं, और जब भी हम बिग ओ को स्केल करते हैं तो उसको हम टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ देखते हैं, कि जैसे जैसे n जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। ओके, सो ये होता है कैलकुलेटिंग द स्केल ऑफ बिग ओ नोटेशन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस ट्यूटोरियल सीरीज का। ठीक है, तो वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व करता हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ पर्सनली। एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हैंडल है aisociety.in, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।